अच्छा तो बुनियादी मसाइल जो है हमारे इलाके के कुरंग बिलाल का हुआ। आपके पहले अभी तक कोई ऐसा काम नहीं है, छोटे मोटे काम भी हैं वो भी नाकारा बन चुके हैं। अभी जो ये आप गलियों में जाओगे सीवरेज निजाम खराब पड़ा हुआ है, मीठा पानी घर घर गंदा पहुंच रहा है और सड़कें हैं नहीं। सड़कों में आप जाओ कोरंगी बंगाली पार जाओ तो अगर कोई बाहर वाली गाड़ी अंदर दाखिल नहीं, तो इसी वजह से हम उनको ही वोट देंगे जो हमारे इलाके के हमारे कोरंगी बिलाल के सड़के आदि कामों के लिए सोच रहा है वही वोट उसको ही देंगे। उसने इलाका देख यहाँ पे ऐसा माहौल बना हुआ था कि यहाँ से पब्लिक चल नहीं सकती। ये यूसी की जब इलेक्शन हुए चेयरमैन मुंतखब हुआ 2015 में, उसके बाद कंडक्ट तो पहले से हुई थी लेकिन जब अभी इलेक्शन का दौरान आता है तो कोई भी सियासी जमात अपना काम नहीं कर सकती है। इलेक्शन जैसे ही गुजरे यूसी चेयरमैन के, उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक ये रोड गुलजार कॉलोनी एफ कॉलोनी यहाँ पे 18 HP सेवरेज की लेन, 18 HP यहाँ से सेवरेज की लेन जा रही, 24 HP की लेन वहाँ से जो देती है हमने 18 HP अपर कोरंगी के अंदर जारी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यहाँ बहुत तरक्याती काम करा है, 8 इंच की मीठे पानी की यहाँ पे लेन दी। उसके बाद ये होता है कि रोते हैं कि भाई हमारा कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ पीपल्स पार्टी ये नहीं करे। पीपल्स पार्टी क्या करे? पीपल्स पार्टी एक CM है, उसके नीचे उसके हल्के के लोगों के MPA यहाँ पे MPA MQM का MNA MQM का चेयरमैन तहरीक इंसाफ का, यार कौन काम कर तो काम करते हैं जो हमारे हो सकते हम काम करके देते हैं। आपका कहना है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीती नहीं है और MNM के जो होता है और चेयरमैन जो होता है वो अपना है। बात मैंने आपको पहले भी की अभी भी कहता हूँ, यहाँ पे ज़्यादातर जो हमारे लोग यहाँ पे हैं, जो हमारे लोग यहाँ पे आबाद हैं, अक्सर लोग वोट भेजते हैं 1000 रुपये में 2000 रुपये में वोट भेजते हैं। आज तक कोई नहीं आया, 30 साल से दम ले रहे हैं, देखा ही नहीं। ये रोड तो अभी जो पीपल्स पार्टी ने बना लिया है, ये गलियाँ मलियाँ दोनों सही कर, और किसी ने ऐसा काम नहीं किया। अच्छा, पहला जो बेनजीर इकतदार पे आया उस वक्त ये रोड बना था और अभी बने। अच्छा, पहले से नहीं बना हुआ था? कभी 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 बना ही नहीं है, कभी कोई आया ही नहीं है, क्या बनाएगा नवारी से सब यहाँ पे। अच्छा, पीपल्स पार्टी ने काम करवाया। अच्छा, आप मजीद आप क्या कहते हैं? मैं ये कहता हूँ चंदा चेयरमैन, मैंने इसका नाम जी इसका मैंने नाम रखा हुआ है चंदा चेयरमैन। अच्छा, वैसे चेयरमैन का नाम क्या है जिसका नाम आपने चंदा चेयरमैन रखा? उसका मैंने रखा है, उसका असल नाम जो है रहमान भाई है, मैं उसको चंदा चेयरमैन कहता हूँ। वजह ये कि अच्छा, आपने जो चंदा चेयरमैन का लकब दिया है इसकी वजह रीज़न क्या है, आपने क्यों दिया है, कोई रीज़न होगा इसका? बिल्कुल रीज़न है, रीज़न ये है कि जितने भी बंदियाती नुमाइंदे आए 2002 से चलते रहे तो कभी किसी चेयरमैन को मैंने ये नहीं देखा कि किसी ने दुकानदार से 1000 रुपये लिए या 500 रुपये लेके बोले कि मुझे चंदा। अच्छा, जमा करो। वो चंदा लेते हैं तो उनको तो इलाके की बजट मिलती है, बजट मिलने के बाद भी वो आवाम से चंदा लेते हैं, इस वजह से आपने उसका चंदा चेयरमैन नाम रखा है। चंदा चेयरमैन ने इसका इसी वजह से ही नाम रखा है, जब उसको महीने के ऑलरेडी महीने में मंथली में आपको डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की तरफ से DMC के तमाम मरल हैं, आप इस्तेमाल नहीं करते। अब आप चले जाएं कोरंगी बिलाल कॉलोनी का जो नाला है जी, नाले पे आप चले जाएं, तमाम नाले का कचरा सड़क पे रख दिया, रोड के ऊपर रख दिया। अच्छा, रोड के ऊपर रख दिया, बिल्कुल DMC की गाड़ियों ने नहीं उठाया। KMC देती है गाड़ियाँ। अभी मसला क्या है कि चेयरमैन और जो ठेकेदार होता है वो आपस में मिले हुए होते हैं, कचरा रोड पे सूख जाता है, उसके बाद आते झाड़ू लगा के चले जाते। उसमें ये होता है कि डंपर जो डंपर जैसे चलते हैं वो डंपरों का जो हिसाब किताब बनता है, फिर डंपर का एक्सीवेटर का जो भी खर्चा बनता है, फिर वो आधा आधा करके हिसाब किताब फाइनल कर देते हैं। वो कचरा आवाम को जहमत, आवाम को तकलीफ, आवाम दर पदर बीमा वाले रोड से जो बिलाल अंदर की तरफ रोड आ रहा है आप जा नहीं सकते। तो नाज़रीन, आपने देखा कि एलियान बिलाल कॉलोनी के व्यूज़ वो खुद को वोट कास्ट करेंगे और उनका कहना है कि यहाँ पे जितना भी तथ्या भी काम हुआ है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने करा। कैमरा मैन टीवी के साथ शबीर अहमद, न्यूज़ बिलाल कॉलोनी।